Tomás, vete. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम मेरा आशियाना किचन में बना रहे हैं सूजी का केक। सो हमने एक कटोरी सूजी ली है, एक कटोरी पिसी हुई चीनी, एक कटोरी दही, सो हम सबसे पहले दही डालेंगे। बिल्कुल घर का बना हुआ अच्छा फ्रेश दही है, मैं घर पे ही बनाती हूँ दही। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये दही लिया है एक कटोरी, इसे हम अच्छे से फेंट देंगे। दही अच्छे से घुल गया है, अब इसमें हम पिसी हुई शक्कर डालेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। एक चम्मच हमने वेनिला एसेंस डाला है। केवड़ा एसेंस। दही, ऑयल और चीनी अच्छे से घुल गए हैं, एसेंस भी डाल दिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे।
हमारे पास ओवन नहीं है, हम कुकर में बनाएंगे। शक्कर अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, मीठा खाते हो ज़्यादा डालो, मीठा नहीं खाते ज़्यादा तो बराबर मिले और कम भी ले सकते हैं। एक चुटकी हम नमक डालते हैं, स्वाद अच्छा आता है नमक से। दूध डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके, और दूध डाल दिया हमने। सूजी है इसको रखेंगे 15-20 मिनट तो सूजी फूलेगी, इसलिए दूध पूरा ले लिया हमने। हमको ढक के रख देंगे इसको 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि सूजी फूल जाएगी और सोडा हम लास्ट में डालेंगे। ये हमने इसमें सूजी ऐड कर दी है, सॉरी डालते वक्त वीडियो ऑन नहीं हुआ था। हमारा बैटर तैयार हो गया है, इसमें डालेंगे दूध। थोड़ा दूध और डालते हैं, अब हम ऑयल डालते हैं। इस तरह का बैटर होना चाहिए, हमने 1 चम्मच वेनिला एसेंस लिया है, अच्छी खुशबू आएगी। अब हम गैस को ऑन कर देंगे, अंदर ये जाली रखी हुई है कुकर में, गैस ऑन है, जाली रख दी है, इसे ही ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, उसको गर्म कर लेंगे अच्छे से। मटर अच्छा हो गया है, हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिक्स किया हुआ है 1 चम्मच ले लेते हैं। ये हमने इसमें ऑयल लगा दिया है,
ये बटर पेपर पे भी ऑयल लगा दिया है, इसको अंदर ये हमने तीन हिस्सों में बांट लिया, एक हिस्सा इसमें डाल दिया है, दूसरे हिस्से में फूड कलर ऑरेंज डाला है। कलर में तीन कलर में बनाएंगे हम, इसमें ग्रीन कलर डाला है, इसमें हम चमचल डालते हैं, इसमें हम ग्रीन कलर डाल रहे हैं, ऊपर डाल रहे हैं ऑरेंज कलर, इसमें भी चमचल डाल रहे हैं। कुकर में रख दिया है, इसको 30-35 मिनट तक हमारा केक बन गया है, इसे ठंडा होने देंगे। यह हमारा रंगीन केक तैयार है।